वाइपर फुल स्पीड में चलाने पड़ गया मेरे को, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। सबसे मुश्किल काम पता है क्या भाई, टायर वापस चेंज करना लगा। तो उस दिन हम लोगों ने दिए थे गाड़ी के ना, मेरे को ना ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में, ये देखो कहाँ थे सुबह से, मैं छोड़ने गया था, टाइम काफी ज्यादा लग गया है। लेट्स गो बॉयज, जिमनी आ गई है, निकलते हैं यहाँ से। मनाली पहुंचना, मनाली में पड़ रही है बर्फ। जितनी बार भी चंडीगढ़ आते हैं ना, हर बार कीनू लेके जाता हूँ। मम्मी का भी फोन आया था मेरे को स्पेशल, कहती आते हो कीनू लेके, क्योंकि अबीरा आजकल घर पे है और वो जूस काफी पीती है और कीनू काफी खाती है। नोनू भाई हैरान हो गए मेरे को देख के, इतने लेके कहाँ जा रहे हो आप। बस अब मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मैं इतने सारे लेके जा रहा हूँ। ये देख रहे हो ये सारे लिफाफे मेरे हैं, इतने लिफाफे अभी और वहाँ पे वो डाल रहे हैं। बिजनेस करें मनाली जाके, यहाँ से पैक करके ले जाएंगे, वहाँ बेचेंगे। फुल पावर बिजनेस यार। वैसे भी लंच टाइम हो गया और काफी टाइम से सब्वे नहीं खाया, तो वो देखो सब्वे वहाँ पे, तो चल के सब्वे खाते हैं। बहुत टाइम से लेके नहीं खाया सब्वे यार, मन बहुत मन कर रहा है खाने का। इतनी स्पीड में तो मैं बोल रहा था भाई को, मैंने कहा एक सब्वे आता है लेफ्ट साइड पे, बोल ही रहते हैं एक मिनट के बाद ही सामने सब्वे आ गया। मतलब कैफे कॉफी डे भी यहाँ पे और सब्वे भी है, सब्वे खाते जाके। बड़े टाइम से लेके खाया नहीं यार, बहुत मन कर रहा था। अगर कोई मनाली से चंडीगढ़ या फिर कहीं से भी चंडीगढ़ ट्रेवल करने का प्लान कर रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर फार्मर्स की बात की जाए, फार्मर जो प्रोटेस्ट पे है वो दिल्ली की तरफ को है, इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में हम काफी लोगों ने मेरे को बोला कि रोपड़ के पास भी मतलब लगाया हुआ है इन्होंने धरना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ एंड साउंडली निकल रहे हैं। और फार्मर्स जो है यार वो मतलब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो हम जैसे आम लोग चले हुए हैं ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं। और वैसे भी इस साइड कोई प्रोटेस्ट नहीं है, सारा जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली निकले हुए ना, दिल्ली की तरफ को है। अगर मतलब कोई दिल्ली भी प्लान कर रहा है निकलने का तो शंभू बॉर्डर पे जहाँ पे वो लगाया हुआ है उन्होंने नाका, आप दूसरी जगह से निकल सकते हो, गांव गांव के अंदर से सोच लो वैसे आप निकल सकते हो, बट मेन जो हाईवे है 4 लेन है वो पूरा ब्लॉक किया हुआ है। इवन बसेस भी चल रही है। चल रही है बसेस भी चल रही है। अभी तक की अपडेट ये है, आज 19th of February अभी तक की अपडेट ये है। और अपना मनाली का रोड तो बिल्कुल खुला है। सामने मौसम देखो कैसा हो गया, पूरा पैक और इतनी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना, क्रेजी। हम बर्फ में एंटर होने वाले थे इधर में। हम लोग अराउंड 3:30 बजे निकले थे वहाँ से खरड़ से, और अभी टाइम हो चुका है 5:06, और हम काफी देर तो मतलब 20 मिनट रख लो, 20 मिनट तो हम सब्वे में भी रुके और नोनू भाई को नींद आ गई है काफी देर से लेके, मतलब कहाँ सब्वे की बात से लेके गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो, और ये सोए हुए तब से लेके मैं आवाज भी डाल रहा हूँ, 2-3 बार उठी रहे नोनू भाई बारिश पड़ रही थी फिर बीच में मम्मी को मैंने फोन किया मम्मी कहती बारिश पड़ रही है फिर उसके बाद फिर फोन किया फिर कहती बर्फ अभी थोड़ी देर पहले फोन किया मम्मी कहती ऐसे ही है बारिश ही लगी हुई है। मतलब अगर बारिश पड़ रही है उसका मतलब ये बर्फ नहीं टिकेगी, जो पहले थोड़ी देर पड़ी थी ना वो भी नहीं टिकेगी बारिश से सब खत्म हो जाता है। देखते हैं रात तक। वैसे वेदर फोकस में तो दिखाया हुआ कि काफी हैवी स्नोफॉल है कल परसों चौथे 3 दिन लगातार। आज बारिश बर्फ मिक्स दिखाई थी, बट आज रात से लेके 3 दिन तक ना कंटिन्यूअसली हैवी स्नोफॉल है, 90% 88% 99% ऐसे दिखाई हुई है। जितना आगे जा रहा हूँ ना उतना ब्लैकआउट होते जा रहा है। सुंदर अगर हम क्रॉस कर दिया नीर चौक पहुंचने वाला हूँ, और यहाँ पे काफी तेज बारिश हुई है पहले, काफी तेज बारिश हुई है यहाँ पहले, और वो मनाली की तरफ को देखो, कुल्लू मनाली की तरफ को पूरा अंधेरा है, ऐसा लग रहा है अंधेरे के बीच बीच में घुसते जा रहे हैं हम लोग। ड्राइविंग सीट चेंज हुई है, नोनू भाई उठ गए, मैंने कहा मैं थंबनेल टाइटल डालना है, प्लीज ड्राइविंग सीट पे आ जाओ आप। और बारिश हो गई स्टार्ट, इतनी देर से उतनी बारिश नहीं होती, अब बारिश स्टार्ट हो गई है। सुन नीर चौक क्रॉस करते ही ये अभी हम नीर चौक पहुंच गए, और यहाँ से दिख रहा है मौसम देखो पूरा क्लियर, पूरे काले बादल है ऊपर, और ये टायर और एलॉय जाके ना ऑफ रोड ट्रिम जाके जिप्सी में लगाने हैं अभी, वो मेन टास्क है। ओके जी फाइनली पंडो ब्रदर्स कैफे हम लोग पहुंच चुके, ब्रदर्स रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच चुके हैं, और 6:30 बजे की अजम्पशन लगाई हुई थी कि 6:30 बजे हम यहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनली पहुंच गए। बारिश काफी ज्यादा तेज हो गई, और मेन मुश्किल ये है कि अपनी जिप्सी से हम टायर एलॉय कैसे चेंज करें, और बहुत मिस किया मैंने इसको यार, और यार अच्छी लग रही है काफी ज्यादा, देखो ना कंपनी वाले जो एलॉय जिमनी के इसके साथ काफी अच्छी लग रही है। बाकी अभी एक काम करते हैं, सामान जो अपना जिमनी में पड़ा है मेरा वाला जो सामान है वो जिप्सी में सारा डाल देते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद टायर पंचर वाला जो यहाँ पे साथ में था वो तो बंद है जिसके पास हमने लास्ट टाइम चेंज किए थे, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, वहाँ जाके चेंज चुंज करके मैं वहीं से निकलूंगा और नोनू भाई वापस आ जाएंगे। मतलब लुक बिल्कुल फिर से वैसा ही होने वाला है इसका जैसी ये पहले थी, वैसी हो जाएगी स्टॉक और अपनी वैसी ऑफ रोड ट्रिप लग जाएंगे। चलिए जी काफी दिन के बाद अपनी ओ भाई
ये तो पूरी गाड़ी धो दी है मेरी, मैट मुट सब साफ है, बाहर से पूरी चमका दी, इतना कीचड़ था इस गाड़ी में। नाइस। चलिए, जय हो। बड़े दिन के बाद बेबी, मेरे को पता है तूने मेरे को बहुत मिस किया और मैंने भी तेरे को मिस किया स्पीति में काफी ज्यादा यार। इसको ले जान देता हूँ स्पीति यार। सबसे मुश्किल काम पता है क्या भाई, टायर वापस चेंज करने लगा। तो उस दिन हम लोगों ने दिए थे गाड़ी के ना, लेकिन वापस भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मनाली में बर्फ स्टार्ट हो गई और मतलब एसटी टायर के साथ वापस नहीं जा सकता हूं मैं, मेरे को वापस योकोहामा लगाने पड़ेंगे क्योंकि आज हल्की हल्की बर्फ दिखाई है, कल तीन दिन तो लगातार 100% हैवी स्नोफॉल है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए टायर चेंज करने के लिए, साथ में खुद भी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि उस दिन भी हमने खुद भी लगाए थे साथ में जब शिफ्ट किए थे ना, जिस दिन जिप्सी में जिप्सी के हम जिमनी में लगाए तो खुद भी निकालते। हाँ जी, जोर लगाओ थोड़ा, क्या है? अरे लगा हुआ है। लगाया जोर। दो टायर लग गए पीछे के, फ्रंट के दो रह गए, तो अंकल भी कर रहे हैं साथ में खुद भी करना पड़ रहा है। ओके, टायर चेंज हो गए। सी यू, मिलते हैं अब कितने दिन बाद? अब थोड़े दिन बाद, काफी दिन। लेकिन एक चीज है, तो रील्स दे देना सारी एडिट करके, आपके कैमरे से बनाई है। ओके, बाकी यार यहाँ देखो टायर हो चुके वापस से चेंज और जिमनी हो गई, सिंपल। ठीक है, बाय बाय, सी यू। अराउंड अभी 8 बज गए, 9:30-10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा घर। आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है और बोल रहे हैं मनाली में बर्फ बारिश मिक्स हो रही है, मतलब बर्फ भी पड़ रही है फिर एकदम बारिश पड़ रही है। अभी बजौरा क्रॉस कर रहा हूं मैं और बहुत तेज हो गई है बारिश। अभी तक बारिश नहीं थी मंडी में, बिल्कुल हल्की हल्की, यहाँ पे बारिश काफी तेज हो गई है। और ना पापा का फोन आया था जस्ट अभी, वो कहते हैं मनाली में बहुत तेज बारिश और बर्फ मतलब मिक्स हो गई है। बर्फ के जो आज वैसे भी वेदर फोरकास्ट में ना बारिश दिखाई हुई थी 99% और बर्फ हल्की हल्की मिक्स दिखाई थी और वही हो रहा है। और कल दिखाई है पूरे दिन भर स्नोफॉल, कल और परसों, वो भी 99% 100%। पहले सुबह देख रहा था मैं 88% 90% थी, अभी चेक किया तो 99% और 100% हो गया। मजा आने वाला है काफी। अभी देखते हैं मनाली की क्या सिचुएशन है और रोड में ना काफी पानी इकट्ठा हो गया तो वो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ड्राइविंग में। सामने से कम बता रहा हूँ 8 से 10 बार बिजली कट की है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और इस बार मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर भी नहीं सकता, एकदम आ रही है। लेकिन अभी इतनी सुंदर कट की ना, मतलब बिजली को मैं इतनी सुंदर कट की भाई, मजा आ गया। और काफी देर तक कम से कम 6-7 सेकंड तक मैं ऐसे देखता ही रह गया, लाइन आ रही थी ऐसे इधर लेफ्ट राइट सब जगह, जैसे दरारें नहीं पड़ जाती वैसी भाई, बहुत सुंदर था। मनाली में बहुत मतलब मौसम पूरा पैक है, पापा का भी जस्ट फोन आया कहते जल्दी आ जाओ और आराम से आई, बहुत तेज बारिश पड़ रही है। मेरे को ना ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में, ये देखो थोड़ी देर में क्या बिजली कड़क गई भाई, ऐसी लगातार कड़क रही है तब से लेके बिजली, ऐसे रखूंगा अब थोड़ी देर ऐसे ही रखूंगा, देखना दिख जाएगा लाइव दिखेगा। यार मैं ऑन ही रखने वाला हूँ कैमरा, चाहे 5 मिनट क्यों ना रखना पड़े मैं ऑन ही रखूंगा क्योंकि मिस हो रहा है अदरवाइज बार बार पता है। ये देखो भाई क्रेजी, ये तो डेमो है, इससे पहले जो बिजली कड़की थी ना जब मैं बात कर रहा था वो तो अल्टीमेट थी। एक बार 1x में रखूं आप देखना फिर से कड़केगी। ये देखो दिखा, लेकिन इस बार हल्का था, इस बार बिल्कुल हल्का था। यार एक काम करता हूँ जल्दी से घर पहुंचता हूँ क्योंकि लेट भी हो गया हूँ काफी ज्यादा, 9:30 हो गए। मैंने अजम्पशन वैसे सही लगाई हुई थी, मैंने उस टाइम बोला था ना 9:30-10 के बीच में घर पहुंचने वाला हूँ, 9:35 हो गया अभी, तो यहाँ से रख लो 20 मिनट और लगेगी मेरी कोशिश पहुंचने में। लग तो रहा है मेरे को वहाँ बर्फ पड़ रही होगी क्योंकि अगर यहाँ बारिश पड़ रही है इस टाइम वाइपर फुल स्पीड में चलाने पड़ गया मेरे को, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। ओ भाई क्या कड़कड़ा रही है बिजली, एक तो फ्लैश लाइट भी दिख रही है ना सामने, तब नहीं पता चला। फाइनली अराउंड 10 बज गए, पहुंच गया हूँ मैं। पापा को बुला लिया था मैंने क्योंकि सामान बहुत सारा है, लेकिन एक सीन है, शुक्र पापा छाता लेके आ गए, इतनी बारिश पड़ रही है भाई, इतनी बारिश में भी मतलब मेरे को उतरना पड़ेगा, सामान ले जाना पड़ेगा सारा, और जगह ही नहीं है गाड़ी लगाएंगे। आगे डस्टर लगी अपनी, पोलो अपनी वहां लगी हुई है, वो देखो पोलो की फ्रंट विंडस्क्रीन में देखो कैसी बर्फ टिकी हुई है, उतनी बर्फ नहीं है, पहले तो आपने देखा जब मैं गया था यहाँ पूरे में बर्फ थी, अभी बर्फ चली गई है मतलब गायब हो गई सारी, पिघल गई है। बाकी जल्दी से घर चलते हैं, ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आज का ब्लॉग ऐसी ट्रैवलिंग वाला था, लेकिन कल का ब्लॉग क्रेजी होगा, कल का ब्लॉग जरूर देखना। बाकी आज के ब्लॉग यही एंड करके आपको मिलते हैं कल के फ्रेश ब्लॉग के साथ। Minimum stress.